नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। रात के 2 बज रहे हैं, ठंड का मौसम आ चुका है। मैं खड़ा हूं गांधी मैदान गेट नंबर 10 के ठीक सामने, जो रोड एग्जिबिशन रोड कहलाता है। और देखिए, आपको दिख रहा होगा कि सामने पुल पे आपको लाइटिंग वाइटिंग सब दिख रहा होगा। रोड काफ़ी सुनसान है, ट्रक दिख रहे होंगे बस आपको। तो बस हम इसलिए निकले हैं कि ठंड का मौसम है, रात के 2 बजे पटना कैसा दिखता है वो दिखाने के लिए। अभी आप देख लीजिए गांधी मैदान गेट नंबर 10, जहाँ की दोपहर हो शाम हो हर समय जाम लगा रहता है। ठंड के मौसम में निकलने का बस यही कारण है, क्योंकि गर्मी के मौसम में हर कोई आपको दिख जाता है, लेकिन रात में बहुत कम लोग दिखते हैं। और मैं धीरे धीरे आपको लेके चलूँगा, यहाँ से आपको सीधे ले चलूँगा कारगिल चौक। कारगिल चौक के बाद हम जाएंगे विस्कुमान के बाद मौर्य होटल की तरफ से होते हुए डाक बंगला जाएंगे। डाक बंगला के बाद इनकम टैक्स जाएंगे और इनकम टैक्स के बाद आपको बोरिंग रोड तक ले जाएंगे। तो चलिए चलते हैं और सफ़र का मज़ा लेते हैं कि रात के 2 बजे पटना घूमने का क्या मज़ा है। तो चलिए सीधे चलते हैं। तो एग्जिबिशन रोड गेट नंबर 10 से हम निकल लिए थे, रास्ते आपको दिखाई कि सुनसान था। और ये देखिए कारगिल चौक, रात के 2 बजे कारगिल चौक, ठंड हवा चल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। सुनसान सड़क है लेकिन ठंड में घूमने का मज़ा कुछ और है। और अगर दिखाएं तो देखिए खाली खाली कैसा लगता है कारगिल चौक रात के 2 बजे। तो इसके बाद हम जाएंगे विस्कुमान के बाद आपको दिखाएंगे विस्कुमान और मौर्य होटल के पास हम उतरेंगे नहीं, लेकिन आपको विजुअल्स में ज़रूर दिखाएंगे कि रात के 2 बजे वहाँ पे कैसा दिखता है। लेकिन डाक बंगला पे ज़रूर हम उतरेंगे और डाक बंगला पे दिखाएंगे कि किस तरह का नज़ारा है, पुलिस रहती है नहीं रहती है डाक बंगला चौराहे पे। और उसके बाद हम आगे का सैर शॉर्ट ट्रिप दिखाएंगे आपको रात के 2 बजे का। तो ये हम आ गए डाक बंगला चौराहे पे, हवा बहुत ठंड चल रही है। और ये देखिए, ये डाक बंगला चौराहा रात के 2 बजे, कोई नहीं है आसपास हैं तो बस पुलिस प्रशासन टाइट है। देखिए यहाँ पे पुलिस प्रशासन है, वहाँ पे पुलिस ही दिख रही है जहाँ की फ़ोन पे बात कर रहे हैं। और ये डाक बंगला चौराहा है, 2 बजे हमने शुरू किया था एग्जिबिशन रोड से गेट नंबर 10 से, उसके बाद हम गए कारगिल चौक, उसके बाद आपको विस्कुमान होते हुए मौर्य होटल दिखाते हुए डाक बंगला चौराहे पे मौजूद हूँ मैं। और रात का समय देखिए किस तरह से स्पीड आती है कार रात के 2 बजे के बाद। अब 2 बजे से बहुत ज़्यादा हो गया, ज़्यादा क्या, 2:15 हो रहा होगा। और देखिए डाक बंगला का नज़ारा देखिए, 20 डाक बंगला पे हम चल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा शांत है, मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा शांत है, कोई दिख नहीं रहा, बस कुछ गाड़ियाँ दिख रही हैं जो कि काफ़ी स्पीड में चल रही है। तो यहाँ के बाद हम जाएंगे सीधा जाएंगे हम लोग इनकम टैक्स पे भी आपको दिखाएंगे नज़ारा, और उसके बाद बोरिंग रोड चौराहा पे हम लोग अंत करेंगे। तो इनकम टैक्स चौराहा पे मौजूद हूँ मैं, देखिए यहीं पे पुलिस प्रशासन टाइट रहती है दिन भर, लेकिन रात है सुनसान है, पुलिस प्रशासन यहाँ पे नहीं है। और आप देखिए इनकम टैक्स पे आपको कोई नहीं दिख रहा होगा, देखिए एक दो ऑटो है जो स्टेशन से आ रही है, लेकिन इनकम टैक्स चौराहा है, ये रात का नज़ारा है। ठंड बढ़ चुकी है, सड़क सुनसान है, पुलिस प्रशासन भी घर में है, या फिर मैं बोलूँगा कि यहाँ पे नहीं है, इनकम टैक्स चौराहे पे नहीं है, क्योंकि डाक बंगला चौराहे पे आपको दिखे हमें दिखी थी। ये देखिए पूरा गोलंबर जो है इनकम टैक्स चौराहा, इसको बोलते हैं गोलंबर भी कह सकते हैं, सारा सुनसान कैसे है ना, तो एक दो गाड़ी दिख रही है। यहाँ से हम जाएंगे बोरिंग रोड चौराहा और वहीं पर
अंत करेंगे क्योंकि ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और हमें भी घर जाना है। तो चलिए सुनसान सड़क थोड़ा सा और दिखाते हैं आपको। पटना वुमेंस कॉलेज होते हुए हम निकलेंगे, हाई कोर्ट होते हुए और उसके बाद बोरिंग रोड चौराहा चलेंगे। जी हाँ, रात के 2 बजे रोड साफ सफाई हो रही है, यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं। बोरिंग रोड चौराहा हम लोग पहुँच गए हैं। एक और बार बता दूँ कि एग्जिबिशन रोड गेट नंबर 10 से हमने शुरुआत की थी, उसके बाद हम कारगिल चौक गए और कारगिल चौक के बाद मौर्य होटल विस्कुमान भवन मौर्य होटल, उसके बाद डाक बंगला चौराहा, फिर पटना वुमेंस कॉलेज, हाईकोर्ट होते हुए हम बोरिंग रोड चौराहा पहुँच चुके हैं। और देखिए रात में, देखिए रोड किस तरह से सफाई हो रही है, आपको अब उस तरफ दिख रही, रोड किस तरह से सफाई हो रही है। देखिए मेहनत सभी कर रहे हैं, जहां आप सो रहे हैं वहां मेहनत जारी है। देखिए रोड की सफाई हो रही है, रात के 2 बजे अब 2:30 बज गए हैं और हम आपको बस ये सुनसान सड़क दिखा रहे थे। और देखिए मेहनत भी दिख गई कि रोड किस तरह से चमकता है। जब आप सुबह उठते हैं, जब आप रोड पर चलते हैं तो रोड की क्यों चमकता है, रोड इसलिए चमकता है क्योंकि रात में ये लोग मेहनत करते हैं। बोरिंग रोड चौराहा पर मौजूद हूँ मैं और देखिए किस तरह से रोड साफ़ हो रहा है, रोड को क्लीन किया जा रहा है बोरिंग रोड चौराहे पे। और आपने देख लिया कि ये देखिए पानी है ये, जी हाँ ये पानी एक शाह है जो कि रोड को साफ कर रहा है, रोड को चमका रहा है। रात में ये लोग मेहनत करते हैं। ये देखिए किस तरह का कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है साफ होते हुए, रोड साफ होते हुए। तो बस मैं बोलूँगा कि वीडियो में बस एंड करने वाला हूँ मैं, बस इस वीडियो में दिखाया कि रात के 2 बजे सुनसान सड़क कैसी लगती है, ठंड का मौसम आ चुका है। तो हमने शुरुआत की थी एग्जिबिशन रोड से, ख़त्म कर रहे हैं बोरिंग रोड चौराहा। ये देखिए ये वर्मा सेंटर है और बोरिंग रोड चौराहा आपको दिख रहा होगा। ठंड ज़रूर आ गई है लेकिन काम जो है वो जारी है। ये देखिए रोड चमक ही रहा होगा, रोड चमकने लगा। सुबह आप जब निकलेंगे, मॉर्निंग वॉक पे निकलेंगे या फिर कहीं भी निकलेंगे तो रोड चमकता है क्योंकि रात भर मेहनत होती है रोड पे। और मेहनत किस तरह से होती है आपने देख लिया। तो बस ये वीडियो इसलिए थी कि सुनसान सड़क कैसी लगती है रात में, ठंड के मौसम में भी काम देखिए, ये काम है। कौन लोग जगे रहते हैं, कौन लोग सोए रहते हैं वो आपको मालूम चल ही गया। तो बस मैं बोलूँगा कि रोड भी चमक गया। तो बस इस वीडियो में आपने हर एक चीज़ देख ली, रात के 2 बजे क्या होता है पटना की सड़कों पर। और बोरिंग रोड चौराहे पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ये देखिए मेहनत रात के 2 बजे भी होता है। तो बस आपने हर चीज़ देख लिया कि सुनसान सड़क कैसा लगता है, ठंड में घूमना कैसे लगता है वो मैं जान गया। और बाकी भी आपने देख लिया कि रोड सफाई, पुलिस चौकन्ने हैं डाक बंगला चौराहे पे, बाकी इनकम टैक्स चौराहे पे बिल्कुल नहीं है पुलिस, बस पुलिस प्रशासन है तो डाक बंगले चौराहे पर और कहीं पुलिस प्रशासन। लेकिन अब जो है ठंड का मौसम आ चुका है तो अब पुलिस प्रशासन नहीं दिख रही है, सुनसान सड़क है बस और कुछ नहीं, और मेहनती लोग हैं जो कि हमारे रोड को स्वच्छ कर रहे हैं, रोड को साफ कर रहे हैं। तो बस लाइव सीरीज़ के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।